Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. की अद्भुत क्षमता यह है कि वो सत्य को संपूर्णता में देख सकता है। गौर मोहन बाबू की हाँ में हाँ मिलाना बिनॉय बाबू की आदत बन चुकी है। मैं तुम्हारे दोस्त बिनॉय बाबू की हिम्मत को खूब जानती हूँ। ललिता, तुम्हें लगता है कि मैं गोरा से डरता हूँ? मैंने आपको कहा था ना, शोशीमुखी और बिनॉय का विवाह संभव है। मां, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दादा, आप शादी की तैयारी कीजिए। माघ में ही शादी होगी। मैं दादा से खुद बात कर लूंगा। बैठो 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 बिना। तो फिर सगाई हो जाए ना? हाँ, बस आप एक बार गोरा से सलाह कर लीजिए। फिर से गोरा से सलाह? दादा, अगर गोरा का आशीर्वाद नहीं मिला तो फिर ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जब और कोई चारा नहीं है तो फिर कल विनय आया था, सगाई के लिए हाँ कह गया है, तुमसे बात करने को कह गया है। दादा, ये तो अच्छी बात है, सगाई की तिथि तय कर दीजिए। तो तिथि तय कर दें? कहा तो? हाँ, अभी तो कह रहे हो, आगे चलकर कहीं टांग तो नहीं अड़ाओगे ना? दादा, मैंने कब टांग अड़ाई है? देखो, तुमसे यही अनुरोध है, तुम इस मसले से दूर ही रहो तो अच्छा है। ना तो मुझे नारायण की जरूरत है, ना ही नारायणी सेना की। इस मामले में तुम्हारा हाथ बटाना इतना उल्टा पड़ेगा पहले मालूम नहीं था। खैर, शादी हो ये तो तुम चाहते हो ना? अवश्य चाहता हूँ बाबा। तो चाहने तक ही अपने आप को सीमित रखो, आगे तुम्हारे इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। प्रणाम दादा। प्रणाम दादा। मैं चलता हूँ आज। आज बहुत जल्दी चल दिए। हाँ, परेश बाबू के घर चलोगे? वो अक्सर तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं। चलो। ভব কাণ্ডারি হালটি ছাড়িয়া পারে দাও 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 রে নদী ভরা ঢেউ বোঝো না তোকে কেন মায়ার তোরি বাও 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 রে নদী ভরা ঢেউ
A true Brahmo follows only his rational conscience. No miracles, magic, tricks or superstition for him. He obeys no guru, book, prophet or messiah. He reads no rituals, priests, idols or temples. और आगे लिखा है, बाबू और गौर मोहन बाबू आए हैं, उनको बुला लो जी। राधा जी, तुम कहाँ जा रही हो? बैठो। वो मैं अंदर जा रही थी बाबू। गौर मोहन बाबू और बिनोय बाबू अपने, बैठो जी। अरे आई आई आई, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? बिनोय कैसे हो? अच्छा। कृष्णदयाल जी कैसे? ठीक है। अच्छा, मुझे बौरद और बच्चों को लेने बाहर जाना है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। राधा जी, ध्यान रखना इनका। जी बाबा। आइए बैठिए, आइए बैठिए। सतीश दिखाई नहीं पड़ रहा? वो माँ और घर के बाकी सभी लोग नाटक की रिहर्सल के लिए गए हैं। नाटक? हम लोग असल में, हाँ देखिए ना, इसे कहते हैं संयोग। परेश बाबू की बेटियों के अंग्रेजी साहित्य और कविता के प्रति लगाव को देखकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर ब्राउनलो की पत्नी ने उन्हें इस साल के मेले में लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने एक अंग्रेजी नाटक पेश करने की गुजारिश की है। असल में जब हम लोग ढाका में थे तो बाबा की मुलाकात मिस्टर ब्राउनलो से हुई, फिर धीरे धीरे दोस्ती गहरी हो गई। तो मिस्टर ब्राउनलो परेश बाबू की बहुत इज्जत करते हैं, वो इसलिए कि उन्होंने अपनी पत्नी और बेटियों को पर्दे के पीछे नहीं रखा है, जैसे कि दूसरे रूढ़िवादी हिंदू करते हैं। आप लोग नाटक देखने आएंगे ना जी? जी नहीं। ठीक ही तो है, हमारे इतने कुसंस्कार और कुरीतियां हैं कि हम हिंदू अंग्रेजों के साथ बैठने उठने के लायक ही नहीं। अगर हम इतने ही अयोग्य हैं तो फिर अंग्रेजी संगत के लिए ललचाना कितनी लज्जा की बात। लेकिन जो लायक हैं उनकी अंग्रेज बहुत इज्जत करते हैं, जैसे कि परेश बाबू का परिवार। किसी एक व्यक्ति के सम्मान से अगर संपूर्ण भारतवर्ष का अपमान होता है तो मेरे लिए वो सम्मान अपमान के बराबर है। ऐसे सम्मान को मैं सम्मान ही मानता हूँ। देखिए आप, आपकी विकार की रीति रिवाजों में हमारा कोई विश्वास नहीं। अगर आप मानते हैं तो आप मानते रहिए, अगर आप नहीं मानते तो ये आपकी गलती है। मैं आपको समझा रही, ये आपकी गलती है। अगर आप अपनी गलती ना माने तो आपका दोष है, हमारा नहीं। बाबू आप तो ऐसी बातें करते हैं, लगता है कि आप कहने के लायक, कहने के लायक, कहने के लायक, आप बेकार की बातों में चले जा रहे हैं। आप बेकार की बातों में आपको जा रहा है। सुचरिता, सुचरिता, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जरा इस कमरे में आना। सतीश आपको बहुत याद करता है। हाँ? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। पानू बाबू जब बाबा आ जाएंगे तो बात भी हो जाएगी। गोरा हमें चलना चाहिए। अरे नहीं नहीं, आप लोग बैठिए ना, बाबा ने आप लोगों को रुकने के लिए कहा है, वो आते ही होंगे। शायद मुझे ही चलना चाहिए। पहले मैं सोचता था कि हमारे देश और समाज का कोई भविष्य नहीं है और हम लोग अंग्रेजों को विशिष्ट मानकर उनके संरक्षण में ही संतुष्ट रहेंगे, लेकिन आज भी अधिकतर लोगों की राय ऐसी ही है। ऐसे हालात में हम स्वार्थी बन जाते हैं और हमारी दृष्टि सीमित हो जाती है। एक दिन मैं भी चला था सरकारी नौकरी ढूंढने, लेकिन गोरा ने मेरा जमीर जगाया और मुझे रोक लिया। देखिए आप लोग ये मत समझिए कि सरकार के प्रति किसी प्रकार की अप्रसन्नता के कारण मैं ये बात कर रहा हूँ, किंतु जो लोग सरकारी नौकरी में जाते हैं वो सरकार की शक्ति को अपनी शक्ति समझने लगते हैं, उस पर गर्व करने लगते हैं। वो अपने लिए एक अलग श्रेणी का निर्माण करते हैं जिसमें वो आम भारतवासियों के मुकाबले अपने आप को ज़्यादा भिन्न और श्रेष्ठ समझते हैं। किंतु नौकरी की बेड़ियों को आप आभूषण नहीं मान सकते, इसलिए तो वो डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट भारतवासियों को कीड़े मकौड़े मानता है।
प्रमोशन के साथ साथ इनका पतन होता जा रहा है, इनको इतनी बात का पता नहीं। दूसरे की शक्ति को अपनी शक्ति मानकर अपने ही देशवासियों को आप तुच्छ समझें तो ये उनका अपमान होगा और इससे देश का मंगल नहीं हो सकता। गोरा, ये मिस परेश बाबू की है, सरकार की नहीं। क्षमा कीजिए। परेश बाबू से मुलाकात हो जाती। लीजिए आप। माफी चाहूंगा, थोड़ी देरी होगी। राधा, पानू बाबू गए? जी वो और रुक नहीं सके। हमें भी चलना चाहिए। आज व्यस्तता के कारण आप लोगों से भेंट ही नहीं हो पाई, कभी फुर्सत में हो तो और आइए। जी जी। आप लोग जा रहे हैं क्या? आज तो आपको भोजन करके ही जाना होगा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है। रुक जाइए विनय बाबू, आपके लिए कुछ खास है आज। आपको विनय बाबू की कोई खास जरूरत है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। विनय तुम रुको, मैं चलता हूँ। आप बैठिए, मैं खाने लगाती हूँ। बैठिए। विनय बाबू, आज आपका भाग जाना ही ठीक होता। माँ ने आपके तबाही की तरकीब निकाली है, नाटक में एक एक्टर कम पड़ रहा है, आप ही को चुना है। वैसे विनय बाबू, मेरा बड़ा मन था इस चरित्र को निभाने का। हाँ सुधीर, तो तुम कर लो, अब मुझसे ये सब नहीं होगा। मैंने माँ से पहले ही कहा था कि आपके दोस्त तो आपको नाटक में हिस्सा लेने के लिए अनुमति देंगे नहीं। आप मेरे दोस्त के पीछे क्यों पड़ी हैं? मैंने जिंदगी में कभी नाटक वाटक किया नहीं है, मुझे बख्श दीजिए प्लीज। तो आपको क्या लगा हम जन्म जन्मांतर से नाटक कर रहे हैं? भाई मुझसे ये सब नहीं होगा। अरे आप फिक्र क्यों करते हैं विनय बाबू, हम हैं ना आपकी मदद करने के लिए, और जब छोटे छोटे बच्चे अभिनय कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। ऐसा कभी नहीं। आज बहुत देर कर दी बेटा, खाना ठंडा हो गया। हाँ माँ, पता नहीं आज अचानक क्या सूझी, गंगा तट पर बहुत समय बिता दिया। बिनोय तेरे साथ था? नहीं मैम, बिनोय पोरेश बाबू के यहीं रुक गया था।
परेश बाबू के यहाँ सबसे मुलाकात हुई तेरी? हाँ। उनकी लड़कियां पर्दा तो नहीं करती ना? उसमें तो बाधा नहीं। माँ, मैं कुछ दिनों से सोच रहा था कहीं दूर चला जाऊं। माँ मुझे आज्ञा दो। कहाँ जाएगा बेटा? पता नहीं। क्या काम के सिलसिले से जा रहा है? नहीं माँ, ये काम नहीं, कि ये यात्रा अपने आप में ही एक काम। माँ, माँ तुम सच में तो मना नहीं कर रही ना? माँ मैं जल्दी आ जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे बिना इतने दिन दूर नहीं रह सकता, तुम जानती हो माँ। लेकिन जाना आवश्यक है, मुझे अपने विचारों का मंथन करना है। अभिनय में क्या गुनाह है? नहीं, अभिनय करने में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इस तरीके से मैजिस्ट्रेट के यहाँ जाकर अभिनय करना मुझे कुछ जस्ता नहीं है। और ये राय आपकी है या किसी और की? किसी और की राय व्यक्त करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं हमेशा अपनी राय व्यक्त करता हूँ, कभी खुद की जबानी तो कभी किसी और के शब्दों में। पर शायद आपके दोस्त मानते हैं कि मजिस्ट्रेट के निमंत्रण को ठुकराना बहादुरी का काम है और ऐसे ही अंग्रेजों से लड़ा जा सकेगा। देखिए, मेरे दोस्त ऐसा मानते हो या ना मानते हो, लेकिन मैं जरूर मानता हूँ, जो लोग हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं, क्या हम उनके बुलाने को धन्य मानेंगे? लेकिन हम ये बहस क्यों कर रहे हैं? कह दीजिए ना कि आप चाहती हैं मैं अभिनय करूँ, तो मैं अपनी राय त्याग दूंगा और मुझे खुशी होगी। वाह, मैं क्यों कहने लगी? और अगर सचमुच ही आपकी कोई राय है तो मेरे अनुरोध पर क्यों त्यागेंगे इसे? पर राय अपनी होनी चाहिए। ठीक है भाई, मेरी कोई राय नहीं है और आपने कोई अनुरोध भी नहीं किया। मैं बहस में पराजित होकर यह अभिनय करना स्वीकार कर रहा हूँ। अब तो खुश है ना आप? आप रिहर्सल में रोजाना जरूर आइएगा। जी जरूर, तो मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे, खाना तैयार है, आप खाना खा के जाइएगा। ठीक है। सुनिए, वैसे मेरे भाग्य बड़े खराब हैं, बहस में पराजित होकर भी मैं आपको खुश नहीं देख सका। आज तू अपने दोस्त के यहाँ नहीं जाएगा? जाऊंगा। अच्छा, तू वहाँ करता क्या है? हम गप्पे मारते हैं। बिनॉय बाबू तुम्हें इतनी तस्वीरें देते हैं, तुम्हें भी तो उन्हें कुछ देना चाहिए ना? हाँ, लेकिन दीदी मैं उन्हें क्या दूँ? ये फूल दे दे। ठीक है, जब जाऊंगा तब दे दूंगा। माँ। अरे बिनॉय, कैसे हो आप? ठीक हूँ बेटा, खुश रहो। ये लीजिए। अरे ये क्या है? जब भी कोई प्यारी चीज मिलती है तो माँ के चरणों में चढ़ाने का मन करता है। माँ,
आज आप कुछ खोई खोई सी लग रही हैं। क्यों भला? मुझे पान नहीं पूछा ना। ओह लक्ष्मी है, जा बीनू के लिए पान लिया। गोरा के बारे में बड़ी चिंता हो रही है, न जाने कहाँ चला गया। तुझको कुछ बताया? नहीं माँ। अच्छा कल परेश बाबू के यहाँ कैसा रहा? कल तो उसका रवैया बड़ा ही अलग था। सुचरिता से बड़ी विनम्रता से बात कर रहा था और परेश बाबू को उनके घर दोबारा आने का वादा कराया। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं। अच्छा माँ मेरी पूजा तो पूरी हो गई, मैं प्रसाद ले लूँ। हे ईश्वर मेरे गोरा की रक्षा करना और बिना के साथ उसका कभी मन मुटाव ना हो।